आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। यहां 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को मतगणना के साथ साथ नतीजे भी घोषित होंगे। लगभग 2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के कारण उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप ने अब बीजेपी की सदस्यता ली है और चुनाव तारीख के ऐलान का स्वागत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है। बातचीत के दौरान कुलदीप बिश्नोई समेत सभी दलों के नेताओं ने जीत को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मेरे साथ भव्य बिश्नोई है, बातचीत करेंगे एक्सक्लूसिवली। तारीख आ गई, 3 तारीख तैयारी पूरी है, पूरी तरह से। तो किस तरह से लोगों के तक रखता है? देखिए, आदमपुर हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और इस बार पहले से भी ज़्यादा उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो 26 साल का वनवास रहा है आदमपुर जनता का, वो पूरा होने को हो रहा है, तो लोगों में बहुत जोश है। हालांकि विपक्षी दल सारे कह रहे हैं कि अब परिवारवाद से बाहर आना है, खास करके आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को कौन जानता है हरियाणा में? मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आप अपना घर संभालो, दिल्ली पंजाब का बहुत बुरा हाल है, आदमपुर हमारा घर है और अपने घर की हिफाजत करना हमें अच्छी तरह आता है, तो आप आदमपुर की चिंता छोड़ दीजिए और जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, आप कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो अब लगता है जो कांग्रेसी और वोटर है वो आपकी तरफ आ जाएगा वापस? देखिए, आदमपुर में लोग पार्टी विशेष को देखकर वोट नहीं डालते, यहाँ पे 2 प्रकार के वोट है, जो एक तो है जो चौधरी भजन लाल जी के पक्ष में है, एक तो दूसरे वो है जो विपक्ष में है। आपको याद होगा कि हमने हमारा परिवार 3 दलों अलग अलग विभिन्न सिंबलों पर चुनाव लड़ा है और हर बार हमें जीत मिली है। और आदमपुर की खास बात यह है कि हम तो सिर्फ चेहरा है, चाहे चौधरी भजन लाल जी रहे हैं, चाहे मेरी माता जी, दादी माँ, पिता जी, हम चेहरे, हम जरिया है। चुनाव हमेशा आदमपुर की जनता लड़ती है और जीत भी आदमपुर की होती है। तो आप तैयार हैं पूरा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आपका नाम चल रहा है? देखिए, अगर आदमपुर से लड़ने का मुझे मौका मिलता है तो मेरे सौभाग्य की बात होगी और पूर्ण रूप से मैं हर प्रकार से तैयार हूँ। हाँ, इसके अलावा बात करें जैसे बीजेपी के सदस्य सोनाली होगा, तो अगर वो होती तो फायदा मिलता आपका प्रचार प्रसार? निस्संदेह फायदा मिलता है, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सक्रिय थी और मैं उनका सम्मान करता था। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उनका समय से पहले जाना हुआ और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा भी है कि उनका परिवार हमारे साथ है, उनके कार्यकर्ता उनसे मेरा लगातार संपर्क है, तो निस्संदेह वो रहती है तो और भी फायदा होता है। लेकिन अभी भी जो जिनकी भी उनके साथ ही है, परिवार के लोग हमारे साथ। कब से जा रहे हैं प्रचार? सिर्फ प्रचार की बात नहीं, आदमपुर हमारा घर है, हम सुख दुख में निरंतर आदमपुर के लोगों के साथ रहते हैं। चुनाव है तो निस्संदेह तो चुनावी गर्मी रहेगी तो और हमारा सभी की सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन आदमपुर हमारा रोजाना रहता है। आप भी युवा हैं, यूथ जो है आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, हम देखा जाए आम आदमी पार्टी हो, अन्य दल हो, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें डालते हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह से कैडर किया जाए? हर प्रकार से तैयारी हमारी रहेगी, लेकिन आदमपुर के लोग जागरूक बहुत है, समझदार बहुत है, तो चाहे सोशल मीडिया है चाहे ऑफलाइन है, जैसे लोग बीच में जाते हैं, उनको ज़्यादा उस तरह से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सभी को राजनीति की पीएचडी है, सब अपने आप को चौधरी भजन लाल जी समझते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है, आप यंग हैं, यंग ब्लड में जो आप जानना कर रहे हैं, मेरे लिए जितने भी बुजुर्ग आदमपुर में मेरे दादा सम्मान हैं, वो पुराने चौधरी भजन लाल जी के टाइम हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा अगर मुझे मौका मिलता है। धन्यवाद बात करने के लिए। थे मेरे साथ भव्य बिश्नोई, जिनका कहना है कि पूरी तरह से तैयार हैं और ये सीट आदमपुर में भजनलाल परिवार की थी, उनकी रही। दिल्ली से कैमरा आदित्य के साथ नितिन धवन है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, फिर तारीख तय हो गई, कितनी तैयारी है? परिवारवाद को उखाड़ने की, दोस्तवाद को ख़त्म करने की तारीख चुनाव आयोग ने अनाउंस कर दी है और 3 तारीख के बाद एक परमानेंट टैग मिल जाएगा कुलदीप बिश्नोई को, परमानेंट पूर्व विधायक का टैग आम आदमी पार्टी 3 तारीख के बाद उनको दे देगी। आम जनता जो आदमपुर की है वो उनको दे देगी और उसके बाद उनको दोबारा कभी ऐसी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी कि लोगों के वोट के साथ वो धोखा कर सकें, लोगों से वोट लेकर के वो अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमें और उनसे अपने कार्यकर्ताओं का फ़ोन तक ना उठाएं, ऐसी कोई जहमत उनको उठानी ही नहीं पड़ेगी। परमानेंट पूर्व विधायक बना देंगे 3 तारीख के बाद कुलदीप बिश्नोई। कह रहे हैं कि हमारा परिवार है भजन लाल के बाद, मैं, मेरा बेटा और हमारा परिवार जो है, ये पूरा आदमपुर हमारा परिवार है, परिवारवाद का आरोप कहते हैं हमारे पर लग रहा है कि हमारा पूरा परिवार ही आदमपुर है। नहीं, दरअसल हो क्या रहा है कि अब कौन लड़ेगा चुनाव, अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे की क्या ग्राउंड बनता है? उन्होंने आदमपुर में कोई ज़मीन पे काम किया उनके बेटे ने? उन्होंने आदमपुर की जनता के साथ किसी तरीके का संवाद स्थापित किया, उनके बीच में रह करके काम किया, उनकी आवाज़ उठाई कभी, उनके मुद्दों के लिए लड़े कभी?
भव्य बिश्नोई सीधे विदेश से लैंड करते हैं, कुछ दिन पहले, और उसके बाद सीधे उम्मीदवार बन जाते हैं कि मैं विधायक बनने के लिए काबिल हूँ। विदेशी उम्मीदवार नहीं चाहिए इस बार, आदमपुर की धरती का कोई आम आदमी चाहिए, कोई आदमपुर की धरती का बेटा या बेटी चाहिए, विदेशी उम्मीदवार नहीं चलेगा इस बार। आपने रैलियां भी की, प्रचार प्रसार हो रहा है, बिश्नोई जी कहते हैं कि जो लोग आए थे बाहर से आए थे, वहाँ के लोग कम थे, बहुत कम थे, ये कह रहे हैं। तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे थे वहाँ के गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के, कुलदीप बिश्नोई क्यों गिड़गिड़ा रहे थे कि मत जाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, आम आदमी पार्टी की बैठक में मत जाना। और जिस दिन वो गिड़गिड़ा रहे थे उसके 48 घंटे के अंदर बालसमंद में लोकल लोगों ने ऐसा तमाचा मारा वहाँ के इस पूर्व विधायक के मुंह पे कि बड़ी तादाद में मनीष सिसोदिया जी को सुनने के लिए शिक्षा अधिकार पंचायत में पहुंचे। तो मुझे लगता है कि जनता तो आदमपुर की अपना फैसला सुना चुकी है, उस पर ठप्पा लगना बाकी है, और वो ठप्पा भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो परमानेंट पूर्व विधायक का ठप्पा भी 3 तारीख को लग जाएगा। कैंडिडेट कब डिक्लेयर होगा? कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की हमेशा से एक तरीका रहा है कैंडिडेट को डिक्लेयर करने का, आदमपुर के लोगों से पूछेंगे, आदमपुर में सर्वे कराएंगे, आदमपुर के लोगों से पूछेंगे कि हमारी पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है या आदमपुर का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परिवारवाद और दोस्तवाद को जड़ से उखाड़ सकता है आदमपुर में। और अभी तक जो आदमपुर के लोग दूसरों के बच्चों के लिए वोट देते आए, वो इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। इस तरीके का एक उम्मीदवार जिस पर वो भरोसा कर सके, जो उनके बीच में रह के काम कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को आम आदमी पार्टी टिकट देगी। और यही हमारी खूबी है, यही हमारी खासियत है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर बहुत ही आम परिवारों के बेटा या बेटी, वो बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं इलाके के, जो समझते हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता कभी, उनको हराने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले भी किया और इस बार भी करेंगे। पंजाब सीएम, दिल्ली सीएम के दौरे और होने वाले हैं वहां पे? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी, जहां जब जिसकी ज़रूरत होगी। आपने देख भी लिया, आदमपुर में हम काफ़ी सीरियस तरीके से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और इसीलिए आदमपुर के लोगों में भी ये विश्वास जगा है कि कोई है जो इस परिवारवाद को जड़ से उखाड़ सकता है आदमपुर के अंदर, और इसलिए लोग भरोसा जता रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बड़ी तादाद में जुड़ना चाहते हैं। जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ है मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, अभी आपसे बात कर रहा था बीच में घंटी बज रही थी फ़ोन की, सब आदमपुर के लोग हैं कि हम काम करना चाहते हैं, गांव-गांव जाके प्रचार करना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इस तरीके के ढेरों कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल, ये थे अनुराग ढांडा, कह रहे हैं कि पार्टी जीतेगी, परिवारवाद से मुक्ति होगी। अब देखना होगा कि 3 तारीख को किसके नाम पर मुहर लगती है। दिल्ली से कैमरा मैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। भाजपा ने जो पिछली बार भी चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छे वोट अपने पिछली बार भी प्राप्त किए थे, और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो कुलदीप बिश्नोई जी थे। कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में तो और अच्छे चांस हैं, ज्यादा बढ़िया चांस है, निश्चित तौर 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।